आपने तो अपने जीवन काल में एक न एक बार इंटरनेट तो जरूर चलाया होगा, पर क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे तेज चलने वाला इंटरनेट कौन से देश में है और इसकी स्पीड क्या है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से देश में सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट चलता है। इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंटरनेट हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट के बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। इंटरनेट पूरे विश्व को एक साथ कनेक्ट करता है। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे तेज चलने वाला इंटरनेट किस देश का है और उसकी स्पीड क्या है? 2020 के दिसंबर में किए गए एक टेस्ट के अनुसार विश्व का सबसे तेज चलने वाला इंटरनेट कतर देश का है। लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार साउथ कोरिया और चाइना को कतर देश ने पीछे छोड़ दिया है। अगर कतर देश की इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो वह है 178.01 Mbps। वहीं दूसरे नंबर पर आता है दुबई, जिसकी औसतन स्पीड है 177.52 Mbps। वहीं तीसरे नंबर पर आता है साउथ कोरिया, जिसकी औसतन स्पीड है 169.03 Mbps। वहीं चौथे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी औसतन स्पीड है 155.89 Mbps। और पांचवे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी औसतन स्पीड है 112.68 Mbps। वही अपलोडिंग स्पीड की बात करें दोस्तों, तो नंबर एक पर आता है कतर, जिसकी औसतन स्पीड है 29.74 Mbps। वही दूसरे नंबर पर आता है दुबई, जिसकी औसतन स्पीड है 27.59 Mbps। और तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी अपलोडिंग स्पीड है 30.67 Mbps। और चौथे नंबर पर आता है साउथ कोरिया, जिसकी औसतन स्पीड है 22.30 Mbps। और पांचवे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी औसतन स्पीड है 16.98 Mbps। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की इंटरनेट स्पीड कितनी है और इस सूची में भारत कितने नंबर पर आता है। भारत की इंटरनेट डाउनलोडिंग स्पीड है 12.91 Mbps और अपलोडिंग स्पीड है 4.97 Mbps। वही भारत की सूची में 139 देशों में से 129वां रैंक है। वही हम पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल की रैंक 102 है, पाकिस्तान की रैंक है 116 और श्रीलंका की रैंक है 117। इन तीन देशों में मोबाइल डेटा की औसतन स्पीड 17 Mbps है। भारत में इंटरनेट स्लो होने का मुख्य कारण है कि भारत की आबादी बहुत है और भारत में इंटरनेट बहुत ही सस्ता है और इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या काफ़ी अधिक है। भारत में कुल आबादी 130 करोड़ से भी ज़्यादा है और मोबाइल यूज करने वालों की संख्या करीब 75 करोड़ से भी ऊपर है। इस कारण से भारत में इंटरनेट एक अलग ही लेवल पर कंज्यूम होता है। इस कारण से जितने भी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है, उनका नेटवर्क ओवरलोडिंग का सामना करना पड़ता है, जो डायरेक्टली हमारे इंटरनेट स्पीड पर इम्पैक्ट करता है। इंडिया में सभी कंपनियों के बीच काफ़ी कंपटीशन है, इस कारण से सभी कंपनियों को डेटा की प्राइसिंग कम करनी पड़ती है। लो प्राइसिंग रखने से बहुत सारे लोगों तक 4G नेटवर्क तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर देखने को मिलती है। इस कारण से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाती है, जिस कारण से वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हम लोग को लो क्वालिटी के नेटवर्क का सामना करना पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना कि आपके इधर इंटरनेट की स्पीड कितनी है।